चार बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के छठे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रनों से हरा दिया। वहीं टीम करीब 4 साल बाद अपने होम ग्राउंड चेपॉक पर खेल रही थी। यहां येलो आर्मी ने पिछले 22 मैचों में 19वीं जीत हासिल की है। वहीं इस जीत के साथ हेड टू हेड मैच में चेन्नई की टीम लखनऊ की बराबरी पर आ गई है। यह दोनों के बीच दूसरा मैच है। वहीं पहला मैच लखनऊ ने जीता था। लखनऊ ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना। वहीं चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 217 रन बनाए। वहीं टीम ने आईपीएल में 24वीं बार 200 से अधिक का स्कोर बनाने का कारनामा भी किया। जवाब में लखनऊ के बैटर्स 20 ओवर में 7 विकेट पर 205 रन ही बना सके और मुकाबला हार गए। वहीं अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी की बात करें तो ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और ड्वेन कॉनवे ने चेन्नई को मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने 56 बॉल पर 110 रनों की ओपनिंग साझेदारी की। यह दोनों के बीच 9 पारियों में 30 शतकीय साझेदारी है। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने मौजूदा सीजन में लगातार दूसरी 50 जमाई। उन्होंने 31 बॉल में 57 रन बनाए जबकि कॉनवे 47 रन बनाकर आउट हुए। वहीं ओपनर्स के बाद शिवम दुबे और अंबाती रायडू के 27-27 रन और आखिरी ओवर में धोनी के लगातार 2 छक्कों ने टीम का स्कोर 217 रन पहुंचा दिया। वहीं लखनऊ की ओर से मार्क वुड और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट लिए। टारगेट चेज करते हुए लखनऊ की शुरुआत अच्छी रही। टीम के दोनों ओपनर्स ने 35 बॉल पर 79 रनों की साझेदारी की लेकिन मोइन अली ने काइल मेयर को आउट कर साझेदारी को खतरनाक होने से पहले ही तोड़ दिया। वहीं मेयर के आउट होने के बाद कप्तान केएल राहुल भी आउट हो गए। फिर बीच में खेलने आए मार्कस स्टोइनिस 21, निकोलस पुरन 32 और आयुष बडोनी ने 23 रन बनाकर हार टालने का नाकाम कोशिश की। वहीं काइल मेयर्स ने लगातार दूसरा शतक जमाया। उन्होंने 22 बॉल पर 53 रन बनाए। वे पहले 2 मैचों में 50 जमाने वाले आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। वहीं चेन्नई के मोइन अली ने 4 विकेट झटके। वहीं अगर लखनऊ के विकेट की बात करें तो पहला विकेट छठे ओवर की 3री बॉल पर मोइन अली ने काइल मेयर को कॉनवे के हाथों कैच आउट कराया। दूसरा विकेट 7वें ओवर की आखिरी बॉल पर सेंटनर ने दीपक हुड्डा को स्टोइनिस के हाथों कैच आउट कराया। तीसरा विकेट 8वें ओवर की 2री बॉल पर मोइन अली ने कप्तान केएल राहुल को गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कराया। चौथा विकेट 10वें ओवर की आखिरी बॉल पर मोइन अली ने कुणाल पांड्या को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कराया। पांचवा विकेट 14वें ओवर की 2री बॉल पर मोइन अली ने स्टोइनिस को बोल्ड कर दिया। छठा विकेट 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर तुषार देश पांडे ने निकोलस पुरन को बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट कराया। सातवां विकेट 20वें ओवर की 3री बॉल पर तुषार ने आयुष बडोनी को धोनी के हाथों कैच आउट कराया। वहीं अगर चेन्नई की विकेट की बात करें तो पहला विकेट रवि बिश्नोई ने 10वें ओवर की पहली बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ को वुड के हाथों कैच आउट कराया। दूसरा विकेट 11वें ओवर की 2री बॉल पर कुणाल पांड्या ने मार्क वुड की बॉल पर ड्वेन कॉनवे का कमाल का कैच पकड़ा। तीसरा विकेट 14वें ओवर की 5री बॉल पर रवि बिश्नोई ने शिवम दुबे को मार्क वुड के हाथों कैच आउट कराया। चौथा विकेट रवि बिश्नोई ने 16वें ओवर की 2री बॉल पर मोइन अली को निकोलस पुरन के हाथों स्टंपिंग कराया। पांचवा विकेट 17वें ओवर की आखिरी बॉल पर आवेश खान ने बेन स्टोक्स को यश ठाकुर के हाथों कैच आउट कराया। छठा विकेट 20वें ओवर की पहली बॉल पर मार्क वुड ने रविंद्र जडेजा को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कराया। सातवां विकेट 20वें ओवर की 4थी बॉल पर मार्क वुड ने महेंद्र सिंह धोनी को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कराया।